नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल भारत के दो युवा स्पिनर। एक वक्त इन दोनों की सानी थी। भारत को दोनों ही गेंदबाज मैच जिताया करते थे, फिर दोनों अलग हो गए। मतलब कि कप्तान कोहली प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही स्पिनर को चुनते, या तो चहल खेलते या फिर कुलदीप यादव। ये सिलसिला विश्व कप में इंग्लैंड के बाद वाले मैच से चल रहा है, क्योंकि एजबेस्टन में दोनों ही स्पिनरों की इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खूब धुलाई की थी और अगले मैच से ही विराट कोहली ने बाहर बिठाना शुरू कर दिया। लगभग 2 साल होने को है। अब भी लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर कब कुलचा की जोड़ी एक साथ खेलेगी। इस पर विराट कोहली तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण ने बड़ी बात कही है। स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान वीवीएस लक्ष्मण ने कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के एक साथ खेलने को लेकर प्रतिक्रिया दी। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि श्रीलंका के खिलाफ तीनों वनडे मैच ये दोनों स्पिनर एक साथ खेले। टीम में कुल मिलाकर 6 स्पिनर है। वनडे में हर गेंदबाज को 10 ओवर गेंदबाजी का मौका मिलेगा। जितनी ज़्यादा गेंदबाजी वो करेंगे उतनी ही सफलता उन्हें मिलेगी, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। खासकर कुलदीप यादव के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। वीवीएस लक्ष्मण के मुताबिक कुलदीप यादव के लिए यह काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपना कॉन्फिडेंस फिर से गेन करे। उन्होंने आगे कहा, हमें पता है कि युजवेंद्र चहल काफ़ी सफल और अनुभवी गेंदबाज हैं। उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त काफ़ी अच्छा है और T20 विश्व कप को देखते हुए वे टीम के अहम सदस्य भी हैं। लेकिन कुलदीप यादव को अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि कुलदीप यादव पिछले काफ़ी समय से अच्छे फॉर्म में नहीं है और यही वजह है कि उन्हें भारत की प्लेइंग 11 में जल्दी जगह नहीं मिल पाती है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।